वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड आई हैव अ नाइस डे। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी विद हरन। बच्चों आपको पता है कि मेरा जो सेशन चल रहा है ग्रामर पार्ट का आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल में ए और एन के सिंपल्स और डिफ़िकल्ट यूजेस हमने आपको बताया है। आज हम बताएंगे आपको यूज़ ऑफ द आर्टिकल दा का यूज़ बताना है कि इनका यूज़ हम कहाँ पर कैसे किन स्थितियों में करें, तभी तो सिंपल वे पे ही बताएंगे कि सिंपल में कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है दा का यूज़, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ हर एक जगह होती है, कन्फ्यूज़न भी होता है। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम यहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप कि जो इसका रूल है, तो सबसे पहले भौगोलिक नामों के पहले, भौगोलिक जियोग्राफिकल नेम्स, भौगोलिक नेम नाम के पहले, ठीक है ना। जियोग्राफिकल ऐसे नाम जो जियोग्राफिक से संबंधित हो, जैसे जियोग्राफिक से संबंधित आप नाम के पहले, नाम के पहले दा का यूज़ किया जाता है। तो जियोग्राफिकल नेम्स क्या होते हैं, एज पर्वत, पर्वतों के नाम, पर्वतों के, नदियों के, नदियों के, पठारों के, पठारों के और खाड़ियों के, खाड़ियों के, ठीक, नदियों के। तो पर्वतों में से द हिमालयाज, द विंध्याचल, ऐसे इस तरह से इनके नाम। तो जैसे इनके नाम में हमने लगाया ही वॉन्ट टू सी, ही वॉन्ट टू सी, सी फिर यहाँ पे ब्लैंक कर दिया हमने, हिमालया, हिमा लया, ठीक, ही वॉन्ट टू सी हिमालया। तो यहाँ पर हिमालय जो नाम आया है सिंपल है, एकदम सिंपल। तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे, यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। नदियाँ, नदियाँ, नदियों में अब एक चीज़ एक सेंटेंस में लिख के दिखा दिया है, तो इसी प्रकार से जैसे आपका आया द गंगा, द गंगा, द यमुना, यमुना, द कावेरी, कावेरी, ईटीसी। मीन्स जितनी भी हमारी पौराणिक नदियां हैं, हॉली नदियां, हॉली रिवर्स हैं, इन्हीं सभी हॉली रिवर्स के पहले और विशाल महान रिवर्स के पहले हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक, दा का यूज करेंगे। इसी प्रकार से पठारों में से, पठारों में से जैसे अपन दक्षिण का पठार, रीवा पन्ना का पठार ऐसा पढ़ा है, इस प्रकार से तो ही बिलोंग्स, ही बिलोंग्स टू दी डेक्कन, यहाँ पे दी कैपिटल कर देते हैं, एक्चुअली डेक्कन दक्षिण से बिलोंगिंग है, तो ही बिलोंग्स टू द डेक्कन, ठीक। इस तरह से आपने देखा। अब खाड़ियाँ, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो ये खाड़ियों के नाम, तीन में से आपके पर्वतों में से जो आपके हिल्स हैं, हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं, माउंटेन रिवर्स, ये डेक्कन हो गए हमारे, और वेज, इनके नाम, इनके नेम के पहले हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐतिहासिक इमारतों और स्थानों के नाम के पहले, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नेम, हिस्टोरिकल प्लेस एंड बिल्डिंग्स के नेम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स BULDING, बिल्डिंग्स एंड प्लेस, एंड प्लेस। दा का यूज और कहाँ करेंगे, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड प्लेस के, जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक हो, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स और प्लेस के पहले। तो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स क्या, द रेड फोर्ट, एज द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट बिल्डिंग्स हो गई, द ताजमहल, द ताजमहल, और प्लेस हो गया हमारा द दिल्ली, द आगरा, ऐसे
द दिल्ली ETC। समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत बार आप ये पढ़ चुके होंगे, सिर्फ आपको मैं यहाँ सिर्फ हल्का सा याद दिला रही हूँ, थोड़ा सा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ठीक, किसका यूज़ किया जाना है? यूज़ ऑफ द का यूज़ हम करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। यदि हमने बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव डिग्री के पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। इंटेलिजेंट है तो एन का यूज़ करेंगे, इंटेलिजेंट है तो हम क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, एंड गुड है तो ए का यूज़ करेंगे, ठीक। वो आप उसका प्रोनंसिएशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है, ए और एन का, ठीक। अब इसमें आया हमारा डिग्री, डिग्री हमारा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है, जैसे मोहन इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, है ना, क्लास का सबसे अच्छा लड़का। यहाँ पे ये हमारा हुआ सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज किया जाता है। और सीधे से देखें, प्रॉपर नाउन जो हमारा होता है, प्रॉपर नाउन के पहले, तो प्रॉपर नाउन जैसे आपके पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सभी प्रॉपर ही माने जाते हैं, इनके पहले भी हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कोई नाउन, उसके साथ में नाउन ना यूज किया गया हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो या तो कॉम्परेटिव में हो या सुपरलेटिव में, उसके साथ में कोई नाउन ना यूज किया गया हो, यहाँ लिख देते हैं ऐसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसके साथ, जिसके साथ कोई नाउन यूज ना किया गया हो, यूज ना किया गया हो, ठीक। तो उसके साथ में भी हम किसका यूज करते हैं, उसके साथ में भी हम दा का यूज करते हैं, उसके साथ में दा का यूज करते हैं। तो जैसे द पुअर डिजर्व मर्सी, ठीक, द पुअर डिजर्व द मर्सी, यानी कि यहाँ पे जो ये है पुअर, पुअर क्या चीज़ है, यहाँ पे पुअर है एडजेक्टिव, ठीक, ये क्या है एडजेक्टिव, हमने बताया क्या है ये, पर कौन सी डिग्री है, ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। बट हमने क्या, हमने बताया था पहले के रूल में कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले ए और एन का यूज किया जाता है। बट ये रूल क्या कह रहा है हमारा, ये रूल कह रहा है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ में नाउन ना लगा हो, जिनके साथ में कोई नाउन ना लगा हो, तो उसके पहले, उसके पहले हम किसका यूज करते हैं, उसके पहले दा का यूज करते हैं, एज द पुअर डिजर्व मर्सी, यानी गरीब दया के योग्य होते हैं, गरीब दया के योग्य होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ये डिग्री तो आ गई हमारी, ये पॉजिटिव है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन इसके साथ में कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे हमने दा का यूज़ किया, ठीक। आगे चलें, ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जो एक जाति को प्रकट करे, ऐसा नाउन यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा नाउन जिससे उसकी एक जाति का, एक जाति का बोध हो, बोध हो, ठीक है ना, एक जाति का बोध हो, उसके नाम के पहले, उसके नाम के पहले हम दा का यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रिटर्न नहीं की जा रही, ओरल बताई जाती हैं, तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठा करें और जो मैं बोलती हूँ उस सेंटेंस को पूरा लिखने का प्रयास किया करें। तो अब ऐसा नाउन जिससे उसकी एक जाति का बोध, उसकी मतलब जाति का बोध हो जाता है ना, तो किस तरह से, द लॉयन, हमने कहा लॉयन इज किंग ऑफ, किंग ऑफ फॉरेस्ट या जंगल,
द लॉयन इज किंग ऑफ जंगल. यहाँ पे लॉयन से क्या हो रहा है, उसकी जाति का बोध हो रहा है, उसकी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके नाम के पहले दा का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है, ऐसी वस्तु जो संसार में सिर्फ एक हो, ऐसी वस्तु जो संसार में सिर्फ एक हो. तो बताइए संसार में क्या है, संसार में सिर्फ वो वस्तु एक ही हो, उसके समान ना तो कोई हो ना तो कोई दूसरी दिखाई देती हो, एज सन मून अर्थ ये चीज़ें है ना. तो संसार में एक वस्तु क्या हो गई, सूर्य चांद पृथ्वी ये सारी चीज़ें. तो द सन द मून अर्थ ETC ने, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब ये अभी जो हम आपको बता रहे हैं तो आपको शायद पता होगा, जानते भी होंगे, लेकिन हमको स्टार्टिंग तो इसका बताना है, तो वीडियो को मिस नहीं करेंगे, देखेंगे ज़रूर आप. अब एक ऐसी चीज़ बताते हैं कि जिनमें लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं. तो उसका रूल है कि जब कोई स्टोरी हो, पैराग्राफ हो, स्टोरी या पैराग्राफ में एक बार किसी आर्टिकल का यूज किसी पैराग्राफ या शॉर्ट स्टोरी या किसी सेंटेंस में जो बड़ा सेंटेंस हो उसमें एक बार किसी भी आर्टिकल का यूज किया गया हो और दोबारा वो आर्टिकल्स आता है वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल दा का यूज किया जाता है. जैसे एक हम सेंटेंस यहाँ लिख करके देते हैं आपके सामने और आप देख लेंगे. हाँ देखिए, आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और अभी ये बताई कि एक बार किसी पैराग्राफ या स्टोरी में या किसी बड़े सेंटेंस में एक बार किसी भी आर्टिकल का यूज किया गया हो और दोबारा उसी पैराग्राफ या बड़े से सेंटेंस में दोबारा वही शब्द आता है तो उसके पहले हम दा का यूज करते हैं. आप जो है टॉयज़ और हेयर की स्टोरी बहुत सुने होंगे कि कछुआ और खरगोश था, उन दोनों की आपस में रेस होती है, तो उसके कुछ पार्ट को मैं रखी स्टोरी आपको पता है. मैं यहाँ पे आपके यूज़ ऑफ दा के अकॉर्डिंग चल रही हूँ तो उसको बता रही हूँ. तो देखिए, वंस अ टॉर्टोइस, एक बार आया, पहली बार टॉर्टोइस आ रहा है तो इसके पहले टी लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ वंस अ टॉर्टोइस वाज वॉकिंग अलोन वेरी स्लोली. एक बार एक कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था. ही मेट अ हेयर, यहाँ भी ही मेट अ हेयर, ठीक, अ हेयर, उसे रास्ते में यानी कि वह एक खरगोश से मिला. अब देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, दोबारा हेयर यहाँ पे यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज किया जाना है. ये बताने का उद्देश्य द हेयर मेड फन ऑफ हिम, यानी कि जो खरगोश था कछुए का मजाक बनाता है. दोबारा टर्टोइज आया तो यहाँ पे हम लगाएंगे द टर्टोइज सेड दैट, वह कहता है कि ही कुड बीट हिम इन अ रेस, वह तुम्हें रेस में हरा सकता है. हमारा पर्पज़ आपको बताने का कि एक बार किसी शब्द के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज किया गया हो दोबारा वही शब्द आता है तो हम दा का यूज करते हैं. इस तरह से आपके यूज़ ऑफ दा का पार्ट 1, जो पार्ट चल रहा दा का, वो सिंपल वे पर, एक सिंपल जो आप सभी जानते हैं, वो पार्ट ख़त्म होता है. इसका ऐसे यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे जो आपके लिए आगे और जानकारी देने के लिए बहुत ही आवश्यक है. तो ये वीडियो यदि आप अंत तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.